नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि मिरर और मैं हूं शालिका ठाकुर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के बकरोटा के एक गांव जिसका नाम है लक्कड़ मंडी, यहां के लोगों की कहानी। दिसंबर माह में जब भारी बर्फबारी होती थी तो ये लोग हर साल अपने घरों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रस्थान कर जाते। अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वे अपनी आजीविका चलाने के लिए ये लोग मैदानी क्षेत्रों की तरफ पढ़ते जाते ताकि अपने लिए कुछ कमा सकें और अपने परिवार को कुछ खिला सकें। लेकिन इन्हें क्या पता था कि देश में कोरोना महामारी आ जाएगी जो इन्हें लॉकडाउन की स्थिति में डालकर अपने घर तक पहुंचने में असमर्थ बना देगी। मन में बस एक ही सवाल कि जाएं तो कहां जाएं। किसी तरह की कोई मदद न मिलने के कारण अपने प्रयासों से ये जैसे तैसे आकर अपने गांव में पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहना है स्थानीय निवासियों का, सुनिए। एसडीएम साहब बता रहे हैं कि बार बार साबुन से हाथ धो और 2 मीटर की दूरी रखना है और यहां सड़कों में खुले नहीं घूमना है और अपने घर में क्वारंटाइन रहो। हाँ जी, मैं निजी कुमार, गांव लक्कड़ मंडी का रहने वाला हूँ। सर्दियों में हमारे लोग मैक्सिमम ऊना और चंबा में सर्दियों में काम करने के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लॉकडाउन होने के कारण हमारे लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। किसी तरह से किराया करके या किसी भी तरीके से अपनी पर्सनल गाड़ियाँ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ आके ना तो इनके लिए कोई काम है और ना ही राशन का कोई प्रबंध। डिपो का राशन जो मिला था, जो मिलता है वही मिला है, लेकिन उसके अलावा जो है जैसे बाकी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की कोई सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। और हमारे यहाँ पे उन्हें 200 परिवार रहते होंगे, सभी मजदूरी के ऊपर डिपेंड है। अभी कितने परिवार वापस आ गए? अभी 40-45 परिवार वापस आए हैं, बाकी नीचे से आ रहे हैं, उनकी परमिशनों का कुछ चला हुआ है। आपको परमिशन किसने दी यहाँ? हमें जो है जब जहाँ पे हम थे वहाँ के लोकल जो मजिस्ट्रेट है वहाँ से उन्होंने परमिशन प्रदान की है। तो आपने गाड़ियों में खुद का किराया सब कुछ किया? खुद गाड़ियों का किराया दिया और वहाँ से बसेज में आए हैं। और बाकी कोई समस्या आपने यहाँ एसडीएम साहब को बताई जो आज आपका पूछने आए हैं? हाँ, एसडीएम साहब जो अभी पूछने आए थे, हमने उनको बताया है। राशन तो चलो थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन जो जिस तरह से बता रहे हैं कि महीने का 10 किलो चावल, 5 किलो चावल और 20 किलो आटा मिलता है, किस तरह से, क्योंकि खाने वाले 5-6 परिवार लोग हैं, तो किस तरह से गुजारा होगा, क्या होगा। मैं विशाल कुमार बोल रहा हूँ सर, लक्कड़ मंडी से। और आज हमारे डलहौजी के एसडीएम साहब भी आए हैं, उन्होंने अपनी समस्या उनको बता दी है कि मतलब हमारे पास जो राशन था वो डिपो की तरफ से हमारे को मिला है और राशन के अलावा हमारे पास अभी कोई भी मतलब अपनी मजदूरी वगैरह कुछ पैसे की समस्या भी आ रही है। गाँव में 40 परिवार पहुँच गए हैं हमारे और कुछ आने वाले हैं, और मतलब जो भी समस्या हुआ उन्होंने एसडीएम साहब को अपनी बता दी है। अभी आपने सुना कि क्या कुछ कहा स्थानियों ने, अब सुनिए कि एसडीएम का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ हिदायतें उन्होंने इन लोगों को दी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम अभी लक्कड़ मंडी में हैं और यहाँ पे जो बाशिंदे हैं जो मेरे सामने खड़े हुए यहाँ पे, तो ये लोग मतलब सर्दियों में आपके नूरपुर, कांगड़ा, उन्ना इत्यादि में काम करने के लिए जाते हैं, तो गर्मियों में वापस यहाँ पे काम करें, यहाँ पे अपने रेजिडेंस में अपने आ जाते हैं। तो इनके जब मेरे को सूचना मिली कि लोग यहाँ आ चुके हैं, तो मैं इनके बीच इनसे मिलने के लिए आया हूँ और इनसे मैंने जब बात की तो इन्होंने कुछ नहीं बताया कि इनको किसी को राशन की समस्या है और किसी को गैस या पानी इत्यादि की। तो मैंने जो हमारे यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर है उनको डायरेक्शन दे दी है कि जो भी राशन है वो यहीं पर पहुँचाया जाएगा और अभी हम इस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, और साथ में जो गैस है गैस भी इनके घर द्वार पहुंच जाएगी। और इनका एक और सुझाव था कि हमारे यहाँ पे दवाई और मेडिसिन वगैरह नहीं मिल रही है, तो मैंने इनको ये कहा है कि हम किसी जो हमारा फार्मासिस्ट और डॉक्टर है उसकी ड्यूटी लगाएंगे और यहाँ आएंगे, लोगों का यहाँ पे चेकअप करेंगे और जो भी समस्या है इनको जाएगी। और इसके साथ ही मैंने इनको ये डायरेक्शन दी है, निर्देश दिए है कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि सारे व्यक्ति हमारे यहाँ पे होम क्वारंटीन है कई दिनों के लिए, तो कोई व्यक्ति घूमता हुआ सड़क के आसपास ना जाएं और अपने आप को सेफ रखें, जैसे कि हमारे चंबा का लोगो भी है, घरे चंबियाल खरे चंबियाल। डलहौजी से सतीश पडवाल की रिपोर्ट, देखते रहिए देवभूमि मिरर।